हम लोग सबसे पहले विद्यापति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विद्यापति दरअसल जो हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में आप देखेंगे कि बिहारी हिंदी यानी बिहार की हिंदी, जिसमें मुख्य रूप से तीन बोलियां हैं, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीन बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा और भी बोलियां हैं, लेकिन इन्हें वो महत्व प्राप्त नहीं है जो मैथिली, मगही और भोजपुरी को प्राप्त है। दोस्तों, मैथिली बिहार के उत्तरी भाग में मैथिली बोली बोली जाती है, जो भाग नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल की सीमा पर, जिसको आज लोग मिथिलांचल कहते हैं। दरअसल विद्यापति उसी मिथिलांचल के थे। बिहार के उत्तरी भाग में मधुबनी जिला है, दरभंगा जिला है, तो वहीं के विद्यापति थे। एक गांव है मधुबनी का बिस्फी, वहां के रहने वाले थे विद्यापति। विद्यापति का समय लगभग 1400 के आसपास ठहरता है। जब हम 1400 कहते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास कालों में बांटा गया है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आदिकाल है, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। उसके बाद भक्ति काल है, 1375 से 1700, और फिर रीति काल है, 1700 से 1900, और फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक जो समय चल रहा है। तो विद्यापति का समय मैंने बताया कि 14वीं शताब्दी या 14वीं सदी के आसपास का समय है। तो ये समय आप देखेंगे कि न तो ठीक से भक्ति काल का समय है और न ही ठीक से आदिकाल का समय है, बीच का समय ठहरता है। इसीलिए इन्हें संक्रमण काल का कवि भी कहा जाता है। संक्रमण काल का अर्थ है कि थोड़ा आदिकाल और थोड़ा भक्ति काल, बीच की स्थिति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल अगर कहते हैं, तो कोकिल का अर्थ कोकिला, जो कुहू कुहू करने वाली एक पक्षी होती है, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो बहुत ही मीठी आवाज, मीठे सुर विद्यापति के हैं, उनकी कविताओं के हैं। और मैथिल इसलिए क्योंकि मैथिली भाषा में उन्होंने रचनाएं की। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव का मतलब होता है बिल्कुल नया, अभी अभी नया। और जयदेव संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, जिसकी भाषा बहुत ही मधुर और सुंदर भाषा है, गोविंद गीत गोविंद का वर्णन है, कृष्ण की श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगारिक मतलब कृष्ण, गोपिकाएं, राधा, इनका जो प्रेम का वर्णन है वो बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। प्रकृति का वर्णन है, बहुत खूबसूरत वर्णन। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर, मधुकर निकर करंबित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे। तो इस तरह की पंक्तियां
पंक्तियां जयदेव ने लिखी थी। तो जयदेव चूंकि श्रृंगारिक कवि थे और प्रेम की रचनाएं बहुत सारी उन्होंने कविता की थी, इसी आधार पर विद्यापति ने बहुत सारी प्रेम की रचनाएं रची थी। इसीलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा गया है, यानी कि नवा नया जयदेव। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अभिनव जयदेव कौन है, तो आप कहेंगे विद्यापति, या मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। विद्यापति के विषय में बहुत सारी बातें हैं। एक सबसे बड़ी बात या कह सकते हैं आपकी प्रश्न जो बनता है कि विद्यापति ने भक्ति की बहुत सारी रचनाएं की। भक्ति में उन्होंने शिव की रचनाएं की हैं, उन्होंने काली के लिए रचनाएं की हैं, उन्होंने कृष्ण के लिए रचनाएं की हैं, उन्होंने बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं के लिए रचनाएं लिखी हैं विद्यापति ने। और विद्यापति ने श्रृंगारिक रचनाएं बहुत सारी, आप देखेंगे कि जो उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो रचनाएं दरअसल राधा और कृष्ण के रूप में रचनाएं की। और तमाम रचनाओं में श्रृंगार का, प्रेम का इतना खुला चित्रण मिलता है कि आपको आश्चर्य होगा कि क्या भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इस तरह की श्रृंगारिक रचनाएं की जा सकती हैं। आप देखेंगे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि थे या विद्यापति भक्त कवि थे, तो प्रायः लोग इसमें उलझ जाते हैं कि आखिर विद्यापति को हम श्रृंगारिक में रखें या भक्त कवि में रखें। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे तत्व हैं जिसके द्वारा आप यह अंतर समझ सकते हैं कि विद्यापति आखिर क्या है। पहली बात यह कि जो भी भक्त कवि हैं, जैसे तुलसीदास, जैसे कबीरदास को भी माना गया है, जैसे संत कवि हैं रैदास, जैसे मीराबाई या सूरदास या कुंभनदास या ऐसे बहुत सारे कवि जो भक्त कवि हैं, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, उनको आप देखेंगे कि उन्होंने कभी किसी का आश्रय नहीं लिया था, यानी कि किसी के दरबार में वो कवि नहीं रहे हैं। उन्होंने स्वयं रचनाएं की और स्वयं भगवान के लिए रचना करके गाते थे, बजाते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन विद्यापति शिव सिंह राजा थे मिथिला के, तो उनके दरबारी कवि रहे। तो ये एक बात होती है जो उन्हें भक्त कवि से अलग करती। दूसरी बात यह कि तुलसीदास जैसे भक्त कवि जो कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, कहते हैं कि पूरा का पूरा संसार ही उनको राममय दिखाई देता है। पूरा का पूरा संसार राममय और सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा का पूरा जग संसार सीता सिया राम, सीता और राम मैं है। मैं का मतलब होता है यहाँ पर कि हर जगह, सभी जगह सीता राम यही उनको दिखाई दे रहा है। तो भक्त कवि में इस तरह की जो भक्ति भाव है, ये भक्ति भाव आपको जब राधा और कृष्ण का वर्णन विद्यापति करते हैं तो वहाँ इस तरह के भक्ति भाव नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर
भक्ति भाव का अभाव है और वहां पर श्रृंगार का वर्णन खूब खुल करके हुआ है। राधा के वस्त्र का वर्णन है, राधा के चेहरे का वर्णन है, राधा के शरीर सौष्ठव का वर्णन है। तो ये वर्णन भक्त कवि नहीं करते थे, ये कवि ये वर्णन श्रृंगारिक कवि किया करते थे। रीतिकाल में आपको बहुत सारे ऐसे कवि मिल जाएंगे जो कवि श्रृंगारिक चित्रण किया करते थे। तो ठीक लगभग लगभग वैसा ही चित्रण विद्यापति अपनी कविताओं में किया करते थे या उन्होंने किया है। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि विद्यापति भक्त कवि न हो करके विद्यापति श्रृंगारिक कवि थे। जब आप विद्यापति को पढ़ेंगे तो जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, इस तरह के जो एकदम लालित्यपूर्ण जो वर्णन है, जैसे जय जय भैरवि, भैरवी काली को कहा जाता है, भैरवी जय जय भैरवि असुर भयावनी, असुर के सामने में, राक्षसों के सामने में भय उत्पन्न करने वाली पशुपति भामिनी माया, कि तुम माया हो, तुम जो है सो देवी हो, तुम ये वो, तो इस तरह से भक्तिपूर्ण वर्णन भी उन्होंने बहुत सारी की है। काली के लिए, शिव के लिए उन्होंने की है, उन्होंने और दूसरे देवी देवताओं के लिए उन्होंने किया है, लेकिन उनका जो मूल चरित्र है या उन्होंने जो मूल रचनाएं लिखी हैं उसमें ज्यादा का ज्यादा वर्णन आप देखेंगे कि श्रृंगार का है, न कि भक्ति का। अतः उनको ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो श्रृंगारिक कवि हैं, वो भक्त कवि नहीं है। एक विद्वान थे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास, और शुक्ल जी के समय तक, जिस समय वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। तो 1929 ईस्वी तक उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे क्रिटिक, जो लोग हिंदी साहित्य के विद्वान थे, वो लोग विद्यापति को श्रृंगारिक कवि न कह करके भक्ति कवि के रूप में या भक्त कवि के रूप में ठहरा रहे थे। तो उस पर उन्होंने व्यंग किया, सटायर अंग्रेजी में व्यंग को कहते हैं, कि उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आजकल भक्ति के चश्मे बहुत सस्ते हो गए। कहने का मतलब यह कि क्रिटिक लोग भक्ति का चश्मा पहन करके और हर एक कवि को भक्त कवि ही सिद्ध करने लगता है, तो इसलिए सभी कवि तो भक्ति कवि हो नहीं सकते हैं, तो ये श्रृंगारिक हैं और इनको श्रृंगारिक कवि ही कहा जाना चाहिए। दोस्तों, विद्यापति के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इससे विद्यापति को समझने में थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। विद्यापति कहा जाता है कि विद्यापति शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और विद्यापति शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने शिव की भक्ति की और शिव जी एक बार उनको आशीर्वाद देने के लिए या उनके साथ रहने के लिए, कि इतने बड़े भक्त के साथ मैं रहूंगा, ये ऐसा लोक में सुना जाता है, कहा जाता है, यानी इस इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में ये कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि विद्यापति बहुत बड़े शिव भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति के कारण शिव को ही बुला लिया, शिव आ गए, लेकिन विद्यापति को पता नहीं था कि शिव है, और उनके यहाँ नौकर के रूप में आ गए, जिनका नाम था उगना। उगना, उगना यानी उग जाना, अचानक से उग जाना, कहीं से आ जाना, इस तरह से नौकर के रूप में आ गए थे उगना, साक्षात शिव। तो एक दिन क्या होता है कि उगना
उनके साथ घूम रहा होता है। कहीं यात्रा पर, पुराने लोग यात्रा पर बहुत जाते थे, पैदल जाते थे, तो उनके साथ जा रहा था। तो जाते 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 एक जगह जंगल में, वहाँ से वो यात्रा कर रहे थे, वहाँ उनको काफ़ी प्यास लगी। जब प्यास लगती है तो वो अपने नौकर को कहते हैं कि देखो उगना, कहीं अगर पानी है तो मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो उगना चला जाता है पानी ढूंढने के लिए, और जब पानी कहीं नहीं मिलता है, ये तो अगर साक्षात वो शिव ही थे तो उनको तो पता था कि यहाँ आसपास में पानी नहीं है। तो उगना ने क्या किया कि अपनी जटा से, जटा यानी सर का जो बाल है, जानते ही हैं आप लोग कि शिव के सर के ऊपर गंगा साक्षात है, तो गंगा से उन्होंने अपने बर्तन में पानी भरकर और ले आया विद्यापति को पिलाने के लिए। विद्यापति अनुभवी थे, बहुत एक्सपीरियंस उनको था। उन्होंने कहा कि उगना, ये तो गंगा जल लग रहा है। तो उगना कहता है कि नहीं मालिक, ये गंगा जल नहीं है, ये पानी है। तो नहीं, ये गंगा जल है, तुम बताओ। शिव जी उगना यानी शिव जी यानी उगना के पीछे पड़ गए विद्यापति कि नहीं, सच्चाई क्या है यह तुम मुझे बताओ। तो उगना को सत्य बताना पड़ा। उगना ने कहा, विद्यापति ने कहा कि आप मुझे दर्शन दीजिए तब मैं समझूंगा। तो उगना ने कहा कि इसके लिए जो आपकी दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको तीसरे नेत्र की जरूरत होगी, तो वो नेत्र मैं आपको देता हूँ। यह कह करके उगना ने क्या किया कि उनको तीसरा नेत्र दिया, यानी शिव ने उनको तीसरा नेत्र दिया। जब शिव ने तीसरा नेत्र दिया और साक्षात शिव के रूप में वो आ गए, तो उन्होंने झुक करके प्रणाम किया विद्यापति ने और कहा कि ये अपराध आपने मुझसे क्यों करवाया। तो शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने ऐसा किया है, और तुम यह राज किसी को मत बताना कि मैं शिव हूँ, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। ये जो राज है, ये राज ही रहने दो, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चले। ऐसा कह करके उगना पुनः उगना बन गया और शिव के साथ रहने लगा। एक दिन उनकी पत्नी ने घर पर, उनकी पत्नी ने कहीं भेजा, नौकर थे तो कहीं भेजा कि जा करके कुछ सामान ला दे दीजिए। विद्यापति खाने के लिए बैठे हुए, तो अपने देश में आप देखेंगे कि पति पहले खाता है और पत्नी बाद में खाती है, पति को खिला करके। हालांकि अब ये चीज़ें बदल रही हैं, अब ऐसा नहीं है। अब जिसको जब इच्छा होती है, भूख लगती है तो खा लेता है, पुरानी मर्यादा कोई उस तरह से मानता नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, करते हैं। आप देखेंगे कि बूढ़े पुराने लोग इस तरह की चीज़ें किया करते हैं। तो विद्यापति खाने के लिए बैठे थे, उगना कुछ लाने के लिए गया था, शायद दही या कुछ खरीदने, दही यानी कर्ड कुछ खरीदने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ से जब उगना आता है, तब तक देर हो जाती है और आग जल रही होती है। विद्यापति की पत्नी आग वाली वो लकड़ी उठा करके और दौड़ती है शिव को, उगना को मारने के लिए। तो विद्यापति अचानक से बोल करते हैं, ओ, ये क्या, ये तो साक्षात शिव है। जैसे ही उनके मुंह से निकलता है कि ये साक्षात शिव है, उसी समय विद्यापति देखते हैं कि उगना गायब हो जाता है और विद्यापति उनको ढूंढने लगते हैं और पागल हो जाते हैं भक्ति में। तो लोग कहते हैं कि जब वो पागल हो जाते हैं शिव के गायब होने से, तो उन्होंने बहुत सारी भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी है। तो उससे पहले उन्होंने जो भी रचा है या जो भी लिखा है, वो सारी की सारी रचनाएं श्रृंगारिक है। उसमें प्रेम का वर्णन, उसमें भक्ति का वर्णन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से बाद में
वो रचनाएं उन्होंने लिखी। तो ये एक कहानी है जो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि मैं विद्यापति के ही इलाके का हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है कि ये कहानी यहाँ पर चलती है। और आज भी आप देखेंगे कि विद्यापति के जो गीत हैं, विद्यापति के जो भक्तिपूर्ण गीत हैं या विद्यापति के जो श्रृंगारिक गीत हैं, वो इस इलाके में लोग बहुत ही मनोयोग के साथ गाते हैं और दूसरे को सुनाते हैं और खूब ये चलता है। शिव के लिए उन्होंने जो गीत लिखा है उसको नचारी कहते हैं, उसका भी खूब वर्णन होता है यहाँ पर। तो ऐसे थे कवि विद्यापति। विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें कीर्तिलता, कीर्ति पाताका जैसी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं अवहट्ट में लिखी गई है। अब अवहट्ट किसको कहते हैं वो थोड़ा सा समझिए। दरअसल जो भाषाओं का विकास हुआ है, भाषा विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ेंगे कि जो भाषाओं का विकास हुआ है उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी, इस तरह से भाषाओं का विकास हुआ है कि सबसे पहले जो भाषा शास्त्री हैं उन्होंने बताया है कि इस तरह का विकास हुआ है कि सबसे पहले अपभ्रंश था, उसके बाद माफ कीजिएगा, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो अपभ्रंश को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे संस्कृत को दो हिस्से में मैंने कहा था बांट दीजिए, तो एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और तमाम चीजें हैं और लौकिक संस्कृत में कालिदास की रचनाएं, बाघ की रचनाएं और तमाम जो लोग हैं वानरभट्ट की रचनाएं, तो इनकी रचनाएं लौकिक संस्कृत का हिस्सा हुआ करती है या मानी जाती है, या महाभारत रामायण ये भी लौकिक संस्कृत में ही है। तो उसी तरह से अपभ्रंश के भी दो हिस्से हैं, एक हो गया अपभ्रंश और एक हो गया अवहट्ट। तो बाद का जो अपभ्रंश है यानी हिंदी जब से आई उससे थोड़ा पहले उसको अवहट्ट कहते हैं, उसको अवहट्ट कहते हैं। तो अवहट्ट में ये रचनाएं लिखी गई है विद्यापति के द्वारा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो यानी आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप ही अवहट्ट है। उत्तरवर्ती यानी बाद वाला, अगर मैं पूर्ववर्ती कहता तो पहले वाला, तो अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप ही अवहट्ट है। एक जगह विद्यापति कहते हैं कि देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जपियों अवहट्टा, यानी देसी भाषा, देसी भाषा यानी आपके अपनी जो जगह है वहाँ की भाषा आपको भी अच्छी लगती होगी। अगर आप तमिल प्रदेश के हैं या तेलुगु के हैं या मलयालम के हैं या कन्नड़ के हैं, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा यानी तमिल में भी आपकी अपनी मिट्टी वाली जो तमिल है वो आपको ज़्यादा मीठी लगती होगी। तो विद्यापति भी कहते हैं कि देसिल बैना सबजन मीठा, यानी देसी भाषा जो है बैना भाषा सबको मीठी लगती है और इसीलिए मैं ये रचनाएं ते तैसन जपियो अवहट्टा, इसीलिए ये रचनाएं मैं अवहट्ट भाषा में कर रहा हूँ या अवहट्ट भाषा में लिख रहा हूँ। तो इस तरह की बात विद्यापति कहते हैं। तो विद्यापति ने अवहट्ट में रचनाएं की, विद्यापति ने कुछ रचनाएं संस्कृत में भी की है, और विद्यापति की जो प्रसिद्धि है या विद्यापति को जो लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा समझते हैं या ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के बीच जो प्रसिद्ध है, वो रचना उनका आधार विद्यापति
पदावली, और विद्यापति पदावली जो आप देखेंगे कि नागार्जुन जो हिंदी के कवि थे उन्होंने, शिव प्रसाद सिंह थे एक व्यक्ति उन्होंने, और कुछ और विद्वान हैं, इन्होंने उनके पदों का पदों को संग्रह किया था, एक जगह जमा किया था और फिर किताब के रूप में वो सामने आए थे उनके पद, जिसको कहते हैं संपादित करना, तो संपादित किया था। तो उसमें कुछ पद आप लोगों को पढ़ने होंगे, तो कौन कौन से पद पढ़ने हैं ये आप देख लेंगे और उसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये थे विद्यापति, जिनको कहा जाता है कि ये मैथिल कोकिल हैं और इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। एक बात और कि हिंदी का जो विकास है, हिंदी का विकास आप देखेंगे कि जो अभी प्रचलित शब्द हैं या प्रचलित बहुत सारे जो रूप हैं, वाक्य के रूप हैं, वो आपको विद्यापति में मिल जाएंगे। यानी जो आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास है वो विद्यापति के समय में भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका था, और विद्यापति उसका उपयोग अपनी भाषा को समृद्ध करने में और अपने पदों को लिखने में करते हैं। अब दोस्तों देखिए, कवि विद्यापति को कुछ लोग आदिकाल का कवि मानते हैं, यानी जब आप आदिकाल की रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चंद्रवरदायी की जो रचना है सब जगह के क्रम में विद्यापति भी लगा हुआ रहता है, कि तो विद्यापति आदिकालीन हिंदी के अंतर्गत ही पढ़ना है। फिर आप भक्ति काल की जब शुरुआत करेंगे तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि भक्त काल के चार खंड किए गए हैं या चार हिस्सा किया गया है मोटा मोटा। तो चार हिस्सा में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण में पहले निर्गुण में आप देखेंगे कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में आप देखेंगे कि वैसे लोगों को रखा गया है जो लोग दरअसल श्रम कार्य से जुड़े हुए थे, जैसे कवि जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, रैदास, दादू, तो ये सब लोग दरअसल श्रम करते थे। तो श्रम करते थे, मेहनत करते थे, और ये लोग नीचे वर्ग से आते थे। जो जाति व्यवस्था थी या जो जाति व्यवस्था अभी भी है, तो उस जाति व्यवस्था में वैसे लोग जो बुनकर थे, वैसे लोग जो धोबी थे, जो जिनका काम कपड़ा का था, वैसे लोग जो जुलाहा थे, वैसे लोग जो चमार थे या जिनका काम चमड़े का था, तो आप देखिए कि समाज में ऐसे लोगों को सही स्थान नहीं दिया गया है, पहले भी नहीं दिया गया था और आज भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोग के जो साहित्यकार थे वो इस ग्रुप में या इस धारा में शामिल थे, जिनको निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा इसलिए क्योंकि ये लोग अनुभव की बात कहते थे। एक जगह कबीर ने लिखा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। कहने का मतलब यह, तू कहता कागज की लेखी, कागज मतलब कागज, और कागज की लेखी यानी कागज पर जो लिखा हुआ है ये तुम कहते हो, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी, यानी मैं जो आँख का देखा हुआ है मैं वो कहता हूँ। आँख का देखा हुआ का मतलब जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है, जो सुना है, नहीं जो देखा है मैंने, वो मैं कहता हूँ। तो आप सभी लोग मानेंगे कि सत्य कौन सा है, तो सत्य है जो आँखों से चीजें देखी गई है। और कागज का लिखा हुआ तो
तो किसी ने लिख दिया है, तो उसको सत्य कैसे माना जाए? हाँ हेलो, हेलो, हेलो जी, आई एम हियर योर ऑडियो आवाज जी। जा रही है? यस आवाज जा जी, रही है? सही है? हेलो, ओके जी। थैंक यू।
दरअसल हम लोग कबीर पर चर्चा कर रहे थे, कबीर पर चर्चा यह कर रहे थे कि भक्ति काल की जो चार शाखाएं तय की गई हैं, तो उन चार शाखाओं में आप देखेंगे कि सबसे पहले सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ये दो शाखाएं तय की गई, बनाई गई अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से। और फिर निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी, और सगुण भक्ति की दो शाखाएं, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। अब हमने यह बताया था अभी कि दरअसल कबीरदास जी ये भक्ति आंदोलन की जो निर्गुण धारा है, वो निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके कवि, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि के बारे में मैंने बताया कि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि जितने भी हैं, लगभग आप देखेंगे कि ये श्रम करते थे, ये मेहनत करते थे, ये जाति व्यवस्था जो भारत में उस समय थी या जो अभी भी है, उस जाति व्यवस्था में जो निचले क्रम या निचली जो जातियां थी उसके वो लोग कवि थे, यानी उससे वो लोग आए थे, और इसलिए उनकी कविताओं में आप देखेंगे कि शोषण, जो जातीय शोषण था, जो जातीय अत्याचार था, जो जातीय जातिवाद की जो दिक्कतें थी, उस पर भी उन्होंने खूब चोट किया है। उस पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप देखेंगे कि वो उनका या उनकी आधुनिक सोच को दिखाता है कि वो कितने आधुनिक थे अपने उस समय में। तो ये कबीर में भी जगह जगह दिखाई देता है। कबीर में आप देखेंगे कि कबीर में आप देखेंगे कि कबीर लगातार ब्राह्मण, क्या ब्राह्मणों से उत्पन्न जो एक धारा थी, जो लोग दलितों के विरुद्ध या दलितों के साथ अत्याचार करते थे या अत्याचार जो लोग करते थे उसका समर्थन करते थे, उसके ये खिलाफत करते थे हमेशा कभी जैसे लोग। एक जगह मैंने कहा कि एक जगह कभी लिखते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, यानी कागज की लेखी का अर्थ यह कि कागज पर लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ मतलब जो वेद है, जो पुराण है, जो धर्म ग्रंथ है, वो तमाम धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, लिखी हुई चीजें हैं, किसी ने लिख दी, और उस धर्म ग्रंथ को देख करके जो पंडित लोग हैं, या मान लीजिए कि कुरान, कुरान को देख करके जो मुस्लिम लोग हैं या जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देख करके ये लोग क्या करते हैं कि अपने अपने धर्म का बखान करते हैं, अपने अपने धर्म की बात बताते हैं, और जो उसको नहीं मानता है या जो उसमें नहीं है तो उसके लिए वो सही नहीं सोचते हैं। तो वो कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कहने का मतलब यह कि तू कागज का लिखा हुआ कहता है और मैं जो कहता हूँ वो आँखों का देखा हुआ। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, या तो कागज का लिखा हुआ
या अनुभव की बात, तो आप देखेंगे कि अनुभव की बात सबसे बड़ी बात होती है। यानी जो आपने अनुभव किया है, जो आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो कबीर अनुभव के बात पर बल देते। उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा है कि संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। यानी उन्होंने संस्कृत को, संस्कृत भाषा, आप जानते हैं कि तमाम जो हिंदू के धर्म ग्रंथ जो भी हैं, वो सारे धर्म ग्रंथ लगभग संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और जाहिर सी बात है कि उन्हीं धर्म ग्रंथों में आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था की भी बात की गई है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, सबसे नीचे शूद्र होगा। तो इसकी बात उन्हीं धर्म ग्रंथों में की गई है। तो आखिर ये उस तबके से आते थे, उस ग्रुप से आते थे जिन जो ग्रुप अछूत था, जो जो ग्रुप अस्पृश्य था, जो ग्रुप जिस ग्रुप का शोषण हुआ था, जाहिर सी बात है कि वे उसका विरोध करते। तो उन्होंने विरोध किया कि संस्कृत को, उन्होंने कहा कि तो संस्कृत है कूप जल, यानी संस्कृत कुएं का पानी, कुएं का जल है, और भाखा बहता नीर, यानी जो भाखा, जो भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा का मतलब कि जो आम जनता जिसमें बातचीत कर रही है, उसको कहा कि ये बहता हुआ नीर, बहता हुआ पानी है, और वो कभी खराब नहीं होता है, वो हमेशा ताजा बना हुआ रहता है। लेकिन संस्कृत वो भाषा अब खराब हो गई है, वो भाषा अब कुछ ही लोगों की भाषा है, उसकी बात ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें बातचीत हमेशा इसी भाषा में करनी चाहिए जो भाषा बोलचाल की भाषा है, ना कि संस्कृत में। कबीर दास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर का मतलब होता है, आप देखेंगे हिंदी में, तानाशाह। यानी कि भाषा को जैसे चाहिए वैसे उपयोग कर लेना, या वैसे तोड़ मरोड़ करके उपयोग में ले आना। तो कबीर दास जी की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो भाषाएं हैं उसका खूब अटपटा वर्णन हुआ है। यानी कहीं के शब्द को कहीं ला करके जोड़ करके और कविता बना ली गई है, कविता गढ़ ली गई है, और जैसे मन हुआ वैसे उसका वो अर्थ वो निकलवा लेते हैं जबरदस्ती। इसीलिए कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर दास में आप देखेंगे कि बहुत सारे द्वंद हैं, अंतर विरोध हैं। जैसे एक जगह तो वो कहते हैं कि नारी नरक का कुंड है, यानी स्त्रियों को वो कहते हैं कि ये नरक के समान है स्त्रियों। तो यहाँ पर स्त्री विरोध दिखाता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो हो सकता है कि सामंती फ्यूडल सोसाइटी थी, और उस समय जो विकृति थी पुरुषों का स्त्रियों के मन में, वो विकृतियाँ बोलती होंगी इस तरह की चीजें। या दूसरी बात हो सकती है कि कबीर दास जी का जन्म हुआ, आप तमाम लोग जानते हैं कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसकी कोख से हुआ, और उन्होंने उनको लाहटारा के पास फेंक दिया था, और किसी नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति था, उन्होंने, उन लोगों ने कबीर दास को अपने घर में जगह दी। तो माता के द्वारा जो ये चीजें, ये यातना उनको एक तरह से दी गई थी, तो इसका विरोध आप कह सकते हैं कि शायद इसका विरोध उसमें हुआ होगा कि नारी नरक का कुंड है या
बहुत सारी इस तरह की बातें उन्होंने स्त्री के विरोध में कही है, और सारे जो संत कवि हैं उसमें भी आपको इस तरह का स्त्री के विरोध में ये चीजें दिखाई देगी। दरअसल कबीर और जो भक्ति काल के जो कवि थे उन्हों उनका जो ईश्वरीय प्रेम था वो बहुत ही दिलचस्प था। आप देखेंगे कि जगह जगह उन्होंने प्रेम पर बहुत कुछ लिखा। एक जगह वो कहते हैं कि नैनन की कड़ी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन के चिकडार के पिए कोलियारी। इसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो देखेंगे कि कितना अद्भुत प्रेम ईश्वर के प्रति इनके मन में है, कि जो आँखें हैं आँखों को कहते हैं कि नैनन की करी कोठरी, यानी आँखों को कहते हैं कि कमरा बना लिया, रूम बना लिया। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछा, ये जो पुतली है उसका पलंग इन्होंने बिछा लिया, बेड बना लिया जिस पर सोते हैं, पुतली पलंग बिछा लिया। और पलकन के चिकदारी के, जो पलक हैं जो पलक झपकते हैं, तो चिक का अर्थ होता है पर्दा, जो आप कवर जिसको करते हैं जिससे, तो पलकन के चिकदारी के पलक का मैंने पर्दा लगा दिया या बिछावन लगा दिया या चादर बिछा दिया, बेडशीट बिछा दिया, कुछ इस तरह की बात आप कह सकते हैं। पिए कोलियारी है अपना जो पिया है, पिया यानी प्रेमी, प्रेमी यानी ईश्वर, ईश्वरीय रूप में अगर देखें तो उसको मैंने रिझाना का मतलब यहाँ पर होता है कि अपना बना लेना, अपना कर लेना। तो इस तरह का प्रेम आप देखेंगे कि कबीर में जहाँ तहाँ छिटपुट रूप में उपलब्ध है। तो ये है कबीर, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुरंगी कवि। बहुरंगी अगर कहें तो बहुत सारे इसमें रंग हैं, इसमें क्रांति के रंग, इनमें विरोध का रंग है, इनमें प्रेम का रंग है, इनमें संत का रंग है, इनमें आप देखेंगे कि उज्जवल चरित्र का रंग है, इनमें देखेंगे कि इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषा की भी विविधता है, शैली की भी विविधता है, और भी बहुत सारी इतनी विविधताएं हैं कि उन विविधताओं के कारण कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो आप उनको किसी एक जगह पर तय नहीं कर सकते हैं, खड़ा नहीं कर सकते हैं कि कबीर वास्तविक रूप में प्रेम के कवि हैं या कबीर भक्त कवि हैं या कबीर संत कवि हैं या कबीर कहाँ खड़े हैं। उनको खड़ा करना सुविधाओं के लिए आलोचकों ने उनको भले ही भक्ति काल की निर्गुण धारा में रख दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि कबीर को आप खड़ा नहीं कर सकते हैं कि कबीर कहाँ पर खड़े हैं। और खड़ा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कबीर में बहुत सारे रंग हैं। तो ये थे कबीर, ऐसे थे कबीर, और उनको दरअसल जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति का या निर्गुण भक्ति की जो शाखा है उसका उनको लीडर कहा गया है कि इन्होंने दरअसल इसको लीड किया, और यहीं से निर्गुण भक्ति धारा की जो शुरुआत है वो शुरुआत थोड़ी और पहले आप कह सकते हैं कि हुई थी, लेकिन कबीर उसके मुख्य रचनाकार हैं, मुख्य राइटर हैं या मुख्य आंदोलन को चलाने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कबीर का ये चरित्र था। कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा चर्चा होती है कि कबीर कि उलट बांसियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उलट बांसियां का मतलब यह
कि ऐसी बात कहना कि जो देखने में सीधी नहीं लगती हो, जो उल्टी पुल्टी लगती हो, उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग कुछ और निकलता है और बात कुछ और कही गई। तो ये कबीर की बात है। कबीर पर दरअसल सिद्ध और नाथ इनका प्रभाव है। आप जानते हैं कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये दोनों आदिकालीन हिंदी साहित्य में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बाद आप देखेंगे कि आदिकाल के बाद भक्ति काल की शुरुआत होती है, और भक्ति काल की शुरुआत में ही कबीर आते हैं। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का भी थोड़ा बहुत प्रभाव कबीर पर जगह जगह मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि कबीर के ऊपर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का प्रभाव तो मिलता ही है। कबीर के ऊपर आप देखेंगे कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव पड़ता है। कबीर में कई सारे दर्शनों का प्रभाव है, इसलिए भी कबीर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें इन दर्शनों को भी समझना पड़ता है। जैसे एक जगह कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हिरण के देह में या हिरण की नाभि में, कस्तूरी की नाभि में बसा हुआ कस्तूरी जो मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी बसा हुआ होता है, लेकिन वह वन वन ढूंढता रहता है। वह उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तलाश करता रहता है। वैसे घट घट राम है, उसी तरह से हर जगह हमें राम है, लेकिन दुनिया नहीं जानती है, दुनिया नहीं देखती है, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भटकती रहती है। तो इस पर आप देखेंगे कि शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव है। अद्वैत में शंकराचार्य ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और कहा था कि दरअसल ईश्वर अपने अंदर ही बसे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ध्यान से सुना, फिर आगे चर्चा होगी। कबीर पर थोड़ी चर्चा होगी और शेष कवियों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, करण सिंह मुतवल सर, वेलकम फॉर द क्लास सर, एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर योर क्लास सर। Shall I start, madam? यस सर, यू कैन स्टार्ट सर, थैंक यू। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर करण सिंह है। मैं मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। आप लोग अपना परिचय देंगे? जी हाँ, जी हाँ जी बोलिए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम स्वाति, जी आप क्या कर रही हैं अभी? मैं बीए कर रही थी। आप? अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं केरला से हूँ। ओके। हाँ आगे, और कौन है दूसरे? रविचंद्रन है आप? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, आप अपना परिचय देंगे? रवि जी नमस्ते जी, नमस्ते, आप कहाँ से? लास्ट पेट पांडिचेरी।
पांडिचेरी से ही हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं रिटायर्ड बीएसएनएल स्टाफ। अच्छा ओके, रिटायर्ड होकर आप एमए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ये उदाहरण है आप, अच्छी बात है सर, अच्छा लगता है, मतलब पढ़ाई का जो आप पढ़ाई में जो रुचि है आपकी, ये देखकर सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। और कौन है भैया? हेलो हेलो, हाँ कौन है सर? मेरा नाम सजनी सिम्पसन है जी। जी मैं केरल, आप कहाँ से हो? मैं केरल में रहती हूँ और हाउसवाइफ हूँ। ओके ठीक, पढ़ाई मतलब काफी पहले छोड़ दी थी आपने? हाँ करीब 10-15 साल हो गए। ओके ओके ठीक ठीक, और दूसरे कौन है, अगले आदमी, अगले छात्र कौन है? शंकर, हाँ शंकर आप। हेलो, हाँ शंकर जी कहाँ से आप? सर मैं त्रिशरापली से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा आप क्या करते हैं सर? आवाज थोड़ा कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है, अभी आ रही है? थोड़ी हाफ एन आवर से है। अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर धीरे धीरे सर, थोड़ा कान के नजदीक में सेलफोन रखना पड़ा सर, आवाज कम आ रही है। कर दीजिए फिर। और कौन है आपका चेहरा देख ले, नाम बताइए। दे पा रहा हूँ फिर भी एक क्लास कीजिए। अच्छा, सुन लेंगे सर। ओके ओके ठीक, हाँ सर। और कौन है? हेलो जी, पूजा है आपका नाम? जी सर। दिखा रहा है वीडियो तो बढ़िया सर, लेकिन अरे थोड़ा कम है इसलिए कान के नजदीक में रखे बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक ओके, नमस्ते। नमस्ते सर। ओके भव्या, कहाँ से हो आप भव्या? कोयम्बटूर से सर। कोयम्बटूर से, अच्छा आपने मतलब पढ़ाई अभी छोड़ दी पहले छोड़ी थी? मैं बीए ग्रेजुएट सर। बीए कब किया? अब बीए दक्षिण भारत सर। कब कब किया? लास्ट ईयर सर। अच्छा लास्ट ईयर, अभी फ्रेश है मतलब। ओके ठीक ठीक सर। और अगले कौन है? हेलो सर, नमस्ते। हेलो जी, पूजा जी आप? नमस्ते, क्या नाम है आपका? हेलो 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 जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हेलो हेलो जी, जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम पूजा है जी। अच्छा पूजा, कहाँ से आप? कन्याकुमारी से हूँ। ओके कन्याकुमारी, हाँ कुछ बोल रही थी आप और मैं कुछ बोल रही थी, बोलिए। नहीं 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 जी। अच्छा नहीं, ठीक ठीक, और कौन है यहाँ? धन्यवाद, वेलकम। और कौन है यहाँ? सर नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या नाम है? निमिषा। ओके निमिषा, कहाँ से हो निमिषा आप? केरला से। केरला। कब किया आपने डिग्री? कब की डिग्री? 2009 में। अच्छा 2009, काफी सब लंबा समय है ना बीच में। हाँ मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दी आपने। छोड़ दिया, 2013 में बीएड किया। अच्छा ठीक ठीक, 13 के बाद पढ़ा रही हैं क्या आप कहीं? मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ, स्कूल में। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो सब हम मतलब साथ ही, आप भी पढ़ाते हैं हम भी पढ़ाते हैं, है ना? हाँ अभी पढ़ाते हैं। बिल्कुल। आप भी टीचर है, अच्छी बात है। और कौन है इस यहाँ? गुड इवनिंग सर। इवनिंग, कौन? सौरभ है आप? यस सर, मैं सौरभ वर्मा हूँ सर। जी जी, कहाँ से हो सौरभ आप? सर अभी मैं दिल्ली में हूँ सर। ओके दिल्ली में हो। यस सर, दिल्ली में मतलब हो कहाँ से, मूलतः कहाँ के हो? मूलतः सर मैं वाराणसी का हूँ सर। अच्छा, और पांडिचेरी से कर रहे हो? सर मैं डिफेंस स्टाफ हूँ, तो जहाँ से मिल जाए वहाँ से हो जाए सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बिल्कुल मैंने ग्रेजुएशन सर जी, मैंने बीएड किया। बीएड किया आपने? अच्छा हाँ सर, उसके बाद 14-16 मैंने एमए सोशियोलॉजी किया सर, अभी एमए हिंदी कर रहा हूँ सर। अरे बाप रे, काफी डिग्रियां प्राप्त कर ली आपने, और फिर डिफेंस में हो? यस सर, और मेरा पीजीडीटी ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है सर, मेरे फरवरी में एग्जाम्स हैं, इसमें इग्नू में है सर।
ओके अरे वाह, काफी डिग्री है आपके पास तो फिर बहुत सर, अच्छी बात है। काम कहाँ करते हैं आप सर? अब सर मैं एयरफोर्स में हूँ सर। एयरफोर्स में? अच्छा, क्या है एयरफोर्स में आप? मैं सार्जेंट हूँ सर। ओके ठीक, सार्जेंट मतलब सर्जन? सार्जेंट मींस आर्मी में हवलदार। अच्छा ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मेरी सर्विस सर ऑलरेडी 19th ईयर रनिंग है सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, काफी डिग्री है कि फिर प्रमोशन मिल जाएगा आपको तो, है ना? बहुत जल्दी सर, मिल जाना चाहिए। हाँ, प्रमोशन का इशू नहीं है सर, ऑलरेडी मतलब लास्ट फेज में हूँ सर मैं सर्विस के। ओके ओके, लेकिन पढ़ने का शौक है आपको, रुचि है आपको पढ़ने की, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। इसलिए ये देखिए, ये ऑनलाइन क्लास में जो ऑफलाइन में मजा है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है ना। कभी मेरी आवाज नहीं आती आपको, कभी आपकी आवाज मुझे नहीं आती है ना। और ये जो परिचय करने के बाद जो पढ़ाने का मतलब जो एक रास्ता मिलता है ना, आप कहाँ है क्या है, उससे हम आगे चल सकते हैं फिर, है ना? वरना हम मतलब मैं आते ही शुरू कर दूं कुछ भी तो वो बात समझ में नहीं आता कि कौन है क्या है कैसे, मतलब कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ा अटपटा लगता है ना। यस सर, तो इसलिए मेरी तो आदत है, मेरी आदत नहीं सभी टीचरों की आदत होती है कि पहले परिचय करते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं भी परिचय कर रहा हूँ। और कोई है यहाँ? धन्यवाद आपका सौरभ, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशनी बेगम है। रोशनी बेगम, यहाँ रेशमा आ रहा है, रेशमा इस्माइल आ रहा है। सर, मुझे मैं बदलाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ बोलिए रोशनी जी, मैं पांडिचेरी से हूँ। डाल दिया अपने आप पर। मैंने एमए डाला है। ठीक ठीक, अभी कंटिन्यू कर रही। ओके और कौन है बाकी? नेक्स्ट, नमस्ते, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर। नमस्ते, मेरा नाम काव्या वांगाला है, चेन्नई से। चेन्नई से जी, क्या करती हैं आप? सर बीए हिंदी और बीएड हिंदी हो गए हैं। वेरी गुड जी, पीजी जी चेन्नई में ही आचार्य स्कूल में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बाकी और कोई है? नमस्ते जी, मैं प्रभा जी। जी जी मैडम, कहाँ से आप? जी मैं पांडिचेरी में रहती हूँ जी। जी जी, कब कंप्लीट हुई आपकी डिग्री? हाँ हाँ जी, अभी बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, बीकॉम 2000 में आप, और बीए दक्षिण भारत हिंदी सभा में सारा 8-4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद एमए ज्वाइन कर रहे, और अभी पांडिचेरी में रखती हूँ जी। और नेवेली में एक सीबीएसई स्कूल में काम कर रहे हैं। वेरी गुड, सब टीचर है। मैं अभी कह रहा था कि मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर है, सब टीचर है, आपस में मिलके बात करेंगे, है ना? धन्यवाद जी। जी वेलकम, और कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते, आपका नाम? गीता है जी। गीता जी, गीता। कहां से गीता आप? पांडिचेरी से। पांडिचेरी से, ओके। क्या कर रहे हैं अभी आप? बीएड पढ़ रही हूं। बीएड पढ़ रही है अभी? बीएड कंप्लीट नहीं हुआ जी? नहीं, दो साथ एक साथ कर रही हैं आप, एमए भी और बीएड भी? जी यस, एमए हिंदी और बीएड एक साथ कर रही हैं आप दोनों? जी यस। हां बोलो गीता। बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ चुकी हूँ। अरे अभी क्या कर रही है? अभी बीएड भी कर रही है? यस सर। लेकिन दोनों एक साथ कैसे कर रही हैं आप? ऐसे तो नहीं कर सकते ना दोनों? सर कंटिन्यू इतने कर रही हूँ। नहीं, एक कंटिन्यू और एक डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, दो डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हम, डिप्लोमा कर सकते हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे आपको मुश्किल ना हो, और कुछ नहीं है ना। कहीं भी आप जाएंगे इंटरव्यू में तो पूछेंगे वो लोग कि भाई दो डिग्री आपकी एक साथ कैसे हो सकती है, एक के बाद एक डिप्लोमा कर सकते हैं हम एक साथ, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस से हो या कैसे भी हो, दो डिग्री एक साथ करना मुश्किल है। आगे देखते हैं क्या होता है। और कौन है? नेक्स्ट जी। नमस्ते जी, मैं राजी।
मेरा नाम राजी है, त्रिपुर से रहती हूँ, त्रिपुर में रहती हूँ, त्रिपुर में रहती हूँ। मैं दक्षिण भारत सभा में प्रवीण एग्जाम करके बाद एमए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ। अच्छा, ये यही जो अभी क्लास हो रही है ना? हाँ जी। ओके ठीक, धन्यवाद। और कौन है जी? नमस्ते। नमस्ते, मैं कोमला हूँ। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा माइक को नजदीक करिए। हाँ हेलो जी। हाँ हेलो जी, माइक को नजदीक कर लीजिए। ओके जी। हाँ मैं कोमला हूँ जी। हाँ पोलाची में रहती हूँ जी। कहाँ रहती है? कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट पोलाची। कोयम्बतूर, ओके ठीक जी। मैं 4 साल के पहले दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में ओके जी बीए करने के बाद अभी एमए कर रही हूँ। ठीक, धन्यवाद। और कौन है? और कोई है या सब हो गए? तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं फिर। देखिए, मुझे कहा गया है कथेतर साहित्य, उसमें नाटक और निबंध और संस्मरण है, उसके बारे में कहने के लिए कहा गया मुझे। अब पहला जो है उसमें कथेतर साहित्य में नाटकीय। अब नाटक की हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख ले। हम देखिए, कोई भी चीज अगर हम पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे ना, तो उसको समझना मुश्किल है। कोई भी चीज हो, चाहे कोई मान लीजिए वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई आदमी हो, कोई भी हो, हमको पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई फिल्म का नाम है, जैसे फिल्म का नाम है तो उसके फिल्म में पृष्ठभूमि होती है पूरी की पूरी। शोले है तो मतलब शोले ही नहीं रहेगा, उसके पीछे आगे पूरा बताएगा वो कैसे कैसे आया, क्यों बना शोले, हो तेजाब कैसे बना हो, है ना। तो ऐसे ही नाटक की पृष्ठभूमि क्या है वो भी हमें देखना है। ठीक है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि देखिए आप दोस्त हैं सारे के सारे, क्योंकि सब पढ़े लिखे सब टीचर हैं, यहाँ हम दोस्ती है सारे। तो नाटक जो है, नाटक की शुरुआत के बारे में लोग कहते हैं कि उसकी नाटक की शुरुआत जो है जिंदगी के साथ ही हुई है। थोड़ा सा पीछे चले हम तो, जब मान लीजिए जंगल में रहते थे इंसान, तभी सभ्यता इतनी व्यापक नहीं हुई थी, सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब क्या होता था कि सब शिकार करने जाते अपना अपना, और शाम में आते, आकर ऐसे आग जलाते और चारों तरफ बैठे रहते उसके। देखिए, श्रोता और अभिनेता दो होते हैं ना, जब नाटक हम देखते हैं तो एक श्रोता होता है, एक अभिनेता होता है, या कह लीजिए श्रोता होते हैं या अभिनेता होते हैं, है ना। तो वहां देखिए, आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे मुझे? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ आपको, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि आग के चारों ओर बैठते लोग और अपना अपना किस्सा सुनाते। कैसे सुनाते किस्सा? एक्टिंग के साथ। जैसे मान लीजिए मैं गया, मैंने तीर मारा एक जानवर को और वो तीर मारते वो भाग गया, फिर मैं उसके पीछे ऐसा दौड़ा, फिर ऐसा दौड़ा, फिर ऐसा दौड़ा, वो एक्टिंग करके बताते हो। फिर वो बैठ जाते और दूसरे उठते, फिर वो बताते कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये लोग एक ही स्थान पर एक ही समय पर अभिनेता भी होते और क्या होते, अभिनेता भी होते और श्रोता भी होते, दर्शक भी होते। वही जब वो अगर अभिनय कर रहे हैं तब वो अभिनेता बन गए, और जब वो दूसरों का सुन रहे हैं देख रहे हैं तो श्रोता और दर्शक बन गए। ठीक है, ये मैं बिल्कुल थोड़ा पीछे से आ रहा हूं, और कुछ नहीं, जहां से दुनिया शुरू हुई है। अब फिर उसके बाद हम यहां आते हैं पंचम वेद के बारे में। पंचम वेद जिसको कहा गया है, किसको कहा गया पंचम वेद, कोई जानते हैं? पंचम वेद किसका नाम है, कौन सी किताब को कहते हैं पंचम वेद? आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचम वेद, कोई अगर जानते हैं तो बताइए, वरना मैं इसीलिए पूछता हूं कि आपको याद रहे। मेरा ये कहने का ढंग यही होता है ताकि आपको याद रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, और भरत मुनि उसके रचयिता माने जाते हैं। अर्थात
अब देखिए पंचम वेद जब आया, नाट्य शास्त्र जब आया, तो सोचिए उससे पहले भी नाटक तो रहा होगा। जब नाटकों के विषय में लिखने की बात आई तो जायज है कि नाटक होंगे तभी तो ये बात आई नाटक लिखने की, या नाटक पर समीक्षा करने की, नाटक की आलोचना करने की, नाटक के नियम बनाने की, नाटक के सिद्धांत बनाने की बात जो आई, कब आई? जब नाटक रहे होंगे। देखिए कभी भी आप सोचिए जो सिद्धांत बनते हैं ना, सिद्धांत पहले कभी नहीं बनते। जैसे अब भाषा आई, भाषा के सिद्धांत पहले नहीं आए, भाषा पहले आई बाद में उसके सिद्धांत आए। पहले कविता लिखी गई बाद में छंद आए, ठीक है? तो जो भी चीज बनती है, सिद्धांत कहीं भी बनते हैं तो वो बाद में ही बनते हैं। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये जो नाट्य शास्त्र बना उससे पहले भी नाटक रहे होंगे। बिना नाटक के नाट्य शास्त्र का निर्माण करना मुश्किल, या कह सकते हैं कि करीब करीब असंभव हो सकता है। तो लिहाजा हम ये मानकर चल सकते हैं कि पहले भी उससे नाटक थे, उसके बाद नियम बन गए नाटक के, ठीक है? और जो नाटक के नियम बन गए, उन नियमों में भी ये हुआ, नाटक के नियम भी हुआ ये कि ये शास्त्रीय नाटक बन गए जिनके नियम बने, ठीक है? और जिनके नियम नहीं बने वो क्या थे? वो लोक नाटक थे, ठीक है? तो उसके बाद दो रास्ते चलने लगे साथ साथ, एक शास्त्रीय नाटक, एक लोक नाटक, ठीक है? लोक नाटक में नियमों को उतना नहीं देखा गया जितना कि शास्त्रीय नाटकों में कहा गया, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते, देखिए पहले हम आए दुनिया जहां से शुरू हुई, फिर हम आए नाट्य शास्त्र जहां से बना, उसके बाद हम आते हैं साहित्य पर। साहित्य को पहले काव्य कहा जाता था, साहित्य का नाम ही पहले काव्य था। क्यों काव्य था नाम? क्योंकि जितने हमारे विषय है, जितने सब्जेक्ट है, सारे के सारे कविता में ही थे। जो भी लिखते कविता में ही लिखते, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल शास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो रस भरी कविता हो, सारे के सारे जो भी है कविता में ही होते, ठीक है? सब जानते हैं आप, ये जो गद्य आया है तो बहुत बाद में आया है, आदिकाल में गद्य ना के बराबर है, भक्ति काल में ना के बराबर है, कहीं कहीं एक छुटपुट मिल जाए तो अलग बात है, रीति काल में नहीं है, आधुनिक काल में आकर इसका विकास होता है गद्य का, ठीक है? उससे पहले साहित्य का नाम ही काव्य था, ठीक है? साहित्य बाद में बना, उसका नाम पहले काव्य ही था, ठीक है? तो काव्य के दो रूप माने जाते थे, काव्य के दो रूप माने जाते थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य के फिर भेद कर दिए, एक रूपक कहा गया, एक उपरूपक कहा गया, ठीक है? दृश्य काव्य के जो भेद बने उसके रूपक के भेद, फिर 18 उपरूपक बन गए। रूपक के भेद बने नाटक, प्रकरणिका, भाण, वयायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, विधि, प्रहसन, ये रहे रूपक। फिर उपरूपक बने नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लिश, भाणिका, संलापक, ठीक है? तो ये दो रूप बन गए नाटक के, एक रूपक एक उपरूपक। मोटे तौर पे कहे हम, या कह लीजिए इसको सरल भाषा में कहे तो रूपक बड़े नाटक होते थे, उपरूपक छोटे होते थे, ठीक है? अधिकतर रूपकों की
जो मान लीजिए समय सीमा थी वो ज्यादा थी और उपरोपक्की कम थी। एकांकी जो आज हम सुनते हैं, एकांकी को कहते हैं कि ये विदेश से आया है, लेकिन इसमें बहुत से एकांकी है उपरूपक में, जो मान लीजिए अंक है या कह लीजिए दूसरे गोष्ठी है, ऐसे और भी बहुत से इसमें एकांकी भी मिलती हमको। ठीक है, तो ये हुए दृश्य काव्य के रूप। मैं फिर आपको पूछता चल रहा हूं बीच बीच में, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अब उसके बाद होता है देखिए श्रव्य काव्य। ठीक है, अब श्रव्य काव्य के तीन भेद माने गए, पद्य गद्य चंपू। ठीक है, अब पद्य के फिर भेद माने गए। अब देखिए कोई भी चीज बनती है तो ये हम हमारी जिंदगी से जोड़कर हर चीज को देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारत बना, भारत में पहले जब बना तो कम राज्य थे, फिर बाद में अलग अलग राज्य बन गए, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भी बन गया, फिर मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ भी बन गया, फिर आंध्र प्रदेश का तेलंगाना भी बन गया, है ना? तो ऐसे इसके भाग बनते रहते हैं। ऐसे ही साहित्य में भी जब पद्य आया तो उसके दो भेद बने, कौन से बने? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। अब ये थोड़ा सा जानते हुए चले, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, प्रबंध काव्य का मतलब ये है कि एक ही कहानी होती है, जैसे उपन्यास है या कहानी है जिसमें एक ही कहानी चलती है, वैसे प्रबंध काव्य में भी एक ही कहानी चलती है, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, सब प्रबंध काव्य। ठीक है, फिर और एक भाग बना उसका मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या होता है कि एक एक पद का स्वतंत्र अर्थ होता है, दूसरे पद से वो जुड़ा हो ये जरूरी नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे। देखिए जब एक ऊपर का दोहा पढ़ते हैं आप, नीचे का दोहा पढ़ते हैं तो देखते हैं ना आप कि उसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, होता है कि नहीं? देखा होगा आपने, है ना? मुक्तक काव्य में एक कहानी नहीं चलती है, एक एक दोहे का अलग अलग अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा एक प्रबंध काव्य हो गया, एक मुक्तक काव्य हो गया। फिर प्रबंध काव्य के भी भेद बने, जैसे मैंने कहा कि भेद बनते रहते हैं, है ना? अब तेलंगाना के ही दो भेद बन गए कह लीजिए, फिर हो सकता है इसके उत्तर प्रदेश के और भेद बन जाए, तो ये भाग होते रहते हैं। ये इसलिए है कि हमको बात को समझने के लिए, ठीक है, बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भेद बनते रहते हैं। जैसे इंडिया में चेन्नई, चेन्नई में फिर मिनम्बक्कम, है ना? ऐसे छोटा 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 होता रहता है, फिर उसमें हमारा घर, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य सिंपल सी बात है, जैसे महाकाव्य मान लीजिए उपन्यास है, खंड काव्य मतलब कहानी है। आज की मोटे रूप से हम अगर देखें तो महाकाव्य मतलब बड़ा होता है, जैसे महाभारत है, खंड काव्य जयद्रथ वध है, रश्मि रथी है, ये खंड काव्य है। ठीक है, अब मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य के फिर भेद। ये भेदों का बड़ा मसला है, जैसे मैं कहता हूं देखिए असल अक्सर मैं कह रहा हूं कि ये भेद होते रहते हर किसी में। पहले काव्य आया तो उसके भेद बने श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, फिर दृश्य काव्य के भेद बने रूपक उपरूपक, फिर उनके ही भेद बने, फिर श्रव्य काव्य आया तो श्रव्य काव्य पद्य गद्य चंपू। ठीक है, तो ये सारे के सारे भेद आते रहते हैं जी। काव्य में दृश्य और दूसरे क्या है जी? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, श्रव्य, उसमें दृश्य के पद्य, दृश्य के नीचे पद्य। नहीं नहीं देख सुन लीजिए, थोड़ा सा काव्य है एक, उसके दो भेद है, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। ओके ठीक है, फिर दृश्य काव्य के दो भेद है, रूपक उपरूपक। ओके ओके ठीक है, फिर श्रव्य काव्य आ जाइए। श्रव्य काव्य पद्य गद्य चंपू, चंपू 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 का मतलब उसमें पद्य भी होता है गद्य भी होता है, उसको कहते हैं चंपू। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, फिर जैसे मैंने कहा पद्य के भेद बने प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के जो भेद थे पद्य गद्य चंपू, फिर पद्य के भेद बने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य।
प्रबंध के नीचे महाकाव्य और खंड काव्य। वेरी गुड, बिल्कुल, प्रबंध के नीचे महाकाव्य, खंड काव्य, फिर मुक्तक काव्य में भेद बने, क्या बने? गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक। क्या है जी दूसरी बार? गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, गेय गाने योग्य मतलब गेय, गेय गेय मुक्तक और गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक। ओके, हाँ, इसका अर्थ ये होता है, गेय का मतलब जो गाए जा सकते हैं, पाठ्य मतलब जो ज्यादातर पढ़े जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे यही लगता है कि जो पूछ रहे हैं वो सुन रहे हैं। ठीक है, अब गेय मुक्त का मतलब ये देखिए, जैसे कबीर के पद है उन पर राग भी लिखा हुआ है, ये राग भैरवी में गाया जाता है, ये राग भीम पलासी में गाया जाता है, ये राग भोपाली में गाया जाता है, तो वो गेय मुक्त है, उनको गाया जा सकता है। ठीक है, और ये दो लाइन के मान लीजिए दोहे है, उनको पढ़ा जा सकता है, ये मान्यता थी, ये प्राचीन मान्यता है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो पाठ्य मुक्तक भी गेय मुक्तक हो गए हैं। आपने सुने होंगे, YouTube में चले आइए आप, कबीर के दोहे मारिए, कबीर के दोहे सब धुन में मिलेंगे आपको, गाने के रूप में मिलेंगे। अर्थात ये भेद उस समय था जब ये तकनीकी नहीं थी, आज जैसे सारी सारी तकनीक आ गई है मान लीजिए, जब नहीं थी तो कुछ गाए जाते थे और कुछ पढ़े जाते थे, लेकिन बाद में जो पढ़ने वाले थे वो उनकी भी धुन बना दी गई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा श्रव्य काव्य के भेद पद्य गद्य चंपू, और पद्य के भाग हमने देखे सारे के सारे, फिर गद्य के भाग। ठीक है, गद्य के भाग में उपन्यास, कहानी, निबंध, गद्य काव्य, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, मोनोलॉग आदि, ये सारी की सारी जो विधाएं हैं वो गद्य की विधाएं हैं। ठीक है, हम गद्य में आ गए हैं तो देखेंगे हम कि गद्य में सारी की सारी विधाएं हैं। ठीक, और फिर जैसे मैंने कहा चंपू, चंपू में दोनों होते, एक मैत्रीचरण गुप्त का काव्य रचना है, मैत्रीचरण गुप्त की यशोधरा, उसमें पद्य भी है और गद्य भी है, तो उसको कहते हैं चंपू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के सबके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अब आगे चलते हैं, अब नाटकों पर आते हैं हम। ठीक है, ये हमने भेद देख लिए सारे के सारे, अब जो मुख्य है मान लीजिए नाटक आपका। अब देखिए जो नाटक है, आप जानते होंगे कि संस्कृत में समृद्ध परंपरा है नाटकों की, है ना, भास है या शूद्रक है कह लीजिए या कालिदास है, सबने नाटक लिखे। फिर आकर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में नाटक गायब है, है ना। हिंदी साहित्य में जब देखते हैं आप, हिंदी साहित्य का इतिहास तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने आदिकाल में देखेंगे नाटक नहीं मिलते, साहित्यिक नाटक, चाहे लोक नाटक चलते रहे हो वो अलग बात है, लेकिन साहित्यिक नाटक नहीं मिलते हमको। भक्ति काल में आते हैं वहां भी नाटक नगण्य है, नाटक नहीं के बराबर है। फिर हम रीति काल में आते हैं वहां भी नाटक नहीं है। फिर आधुनिक काल में जब आते हैं तो फिर नाटक दिखाई देते हैं। क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जब काव्य में नाटक लिखे आते संस्कृत में, तो हम काव्य में नाटक क्यों नहीं लिख सके? आदिकाल में क्यों नहीं लिखे हमने, भक्ति काल में क्यों नहीं लिखे, रीति काल में क्यों नहीं लिखे? जैसे फिर कह रहा हूं मैं, लोक नाटक तो रहे होंगे लेकिन साहित्यिक नाटकों का नाम नहीं है, क्यों हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा ऐसा? देखिए फिर कह रहा हूं मैं प्रश्न कर रहा हूं, तो मतलब ये है मेरा, आप जवाब दें ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं जो प्रश्न करके आपको जवाब दूंगा तो इससे आपको याद रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं प्रश्न के रूप में पहले बोलता हूं और फिर उसका आंसर देता हूं, आप दे या ना दे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सोचिए आप कि आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में नाटक क्यों गायब रहे? हालांकि फिर संस्कृत में तो बहुत से नाटक थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक नहीं है। उस समय समूह में कोई शांति नहीं रह गया होगा। जी जी, समूह में कोई शांति नहीं रह गया होगा। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है सर, अच्छा लगा मुझे, मुझे ऐसे आप बोलते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है सर। दरअसल बात यह है सर कि आदिकाल से ही, हर्षवर्धन के जमाने से ही हमारे देश पर आक्रमण शुरू हो गए थे, है ना, विदेशी आक्रमण, है ना जी।
इसीलिए वीर गाथा काल है वो, काल लड़ने का ही काल था सारा का सारा। तो उसमें हुआ क्या कि जो जो मान लीजिए विदेश से आए, अरब वाले आए मान लीजिए या मंगोल आए सारे के सारे, उनके यहां नाटक की परंपरा नहीं थी, ठीक है। तो उन लोगों ने यहां भी नाटक को प्रोत्साहन नहीं दिया। अब आप देखते होंगे कहीं भी, अब यहां से नीचे से आते हैं, बताता हूं मैं आपको। कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, ठीक है, वो मान लीजिए कल्चरल आदमी है या कल्चरल उनको बहुत पसंद है, गाने बहुत पसंद है, नाटक बहुत पसंद है, नृत्य बहुत पसंद है, तो वो बढ़ावा देते हैं अपने स्कूल में, है ना, कल्चरल को कॉम्पिटिशन करवाएंगे, अपने बच्चों को बाहर भेजाएंगे कॉम्पिटिशन में, है ना, ताकि कल्चरल बना रहे। अब कोई ऐसे आएंगे मान लीजिए उनको ज्यादा, अब जैसे फिर एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, कॉर्पोरेट कॉलेजेस है जैसे नारायणा कॉलेज है या कह लीजिए ये श्री चैतन्य है, इनमें देखिए कल्चरल का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके सिवा कुछ नहीं करते। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नाटक है, हमारे जो गीत है, हमारे जो संगीत है, हमारे जो नृत्य है, वो मध्यम हो जाते। ऐसे ही वो जब आए विदेशी आक्रमणकारी, तो उनके देश में ये सब कुछ नहीं होता था, कल्चरल कुछ भी नहीं था, ना नाटक थे ना गायन था, ठीक है। तो वो यहां भी उनको प्रोत्साहन नहीं दे सके या नहीं दिया कह लीजिए, ठीक है। एक आध कोई अपवाद रूप में मान लीजिए मिल जाता है कि हाँ भाई उन्होंने नाटक को प्रोत्साहन दिया, वरना किसी ने भी नहीं दिया, नाटक करने भी नहीं थे, गाना गाना भी गलत है ये बोलते थे। वरना अब कोई मान लीजिए ऐसा आता है जैसे अकबर आया, अकबर ने मान लीजिए अपने नवरत्न रखे, उसमें तानसेन भी थे मान लीजिए, उसमें बीरबल भी थे, तो अर्थात उनको लगा कि कल्चरल होना चाहिए, वरना किसी ने भी प्रोत्साहन नहीं दिया, इसलिए नाटक नहीं हुए। और फिर आप सोचिए कि आधुनिक काल में क्यों आए नाटक, फिर आधुनिक काल में क्या वजह रही जो नाटक आ गए, ऐसा क्या घटा आधुनिक काल में कि नाटक आ गए? आधुनिक काल में कुछ तो घटा होगा ऐसा जो नाटक फिर से आ गए। देश तो स्वतंत्र हो गया ना जी, क्या हो गया? देश तो देश स्वतंत्र होने से, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं स्वतंत्र नहीं, थोड़ा सा स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजों के जमाने में नाटक है, क्योंकि अंग्रेजों के पास नाटक थे, शेक्सपियर था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, मुंबई में थिएटर बनाई, तो उसको देखकर हिंदुस्तानी भी थिएटर की ओर आकर्षित हुए। हालांकि हमारी परंपरा समृद्ध परंपरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजाओं ने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया तो वो मध्यम हो गया। लेकिन फिर जब अंग्रेज आए, उन्होंने नाटक यहां किए, तो उसके बाद यहां के लोगों ने भी नाटक शुरू किए। और पहले हिंदी से पहले बंगाल में नाटक होते थे, मराठी में नाटक होते थे, हिंदी में बाद में आए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनको देखा है, मराठी नाटकों को देखा, बंगाली नाटकों को देखा, उसके बाद हिंदी में उन्होंने रचना की। और बोलता वो जैसे प्रेरित हुए फारसी नाटक, जो फारसी नाटक कंपनियां थी वो जो नाटक करते थे वो प्योर कमर्शियल नाटक होते थे, ठीक है, उनको साहित्य से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ ये करना था कि हम इस नाटक के माध्यम से पैसे कमाएं। फारसी जो मान लीजिए फारस से आए थे, वो यहां आकर बिजनेस करने लगे, तो उन्होंने ही नाटक कंपनियां खोली यहां शुरू में। लेकिन उनकी मुश्किल ये थी कि वो गंभीर नाटक को भी बिल्कुल एंटरटेनमेंट नाटक बना देते थे, ठीक है, उनके नाटकों में राम भी नाचते थे, तो ये देखकर यहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। भारतेंदु ने देखा कि ये नाटक जो कर रहे हैं ये हमारी संस्कृति का खेल बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, तो ये देखकर उन्होंने साहित्यिक नाटक लिखना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे उन्होंने लिखा, मान लीजिए उससे पहले नहुष भी लिखा गया था, अब उसको कहते हैं कि उतना नाटक के उसमें तत्व नहीं थे ऐसे माना जाता है, तो जो भी है वहां से और विकास होना शुरू हुआ। किसके माध्यम से?
किसने नाटकों का विकास किया हिंदी में? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वो पहले क्या करते थे, व्यंग नाटक करते थे, व्यंग नाटक, ठीक है, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा है ना, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है, लेकिन अंग्रेज कोई नहीं है उसमें, प्रतीक रूप में अंग्रेजों के खिलाफ है वो, ठीक है। तो ये देखते अंग्रेज नाटक, और उनको तो लगता कि अंग्रेज तो नहीं है इसमें, चलने दो नाटक, लेकिन इस नाटक के सहारे उन्होंने क्रांति की बात भी की। अब देखिए, जिसको जिसके पास जो औजार था, जो आमनेशन था, जो हथियार था, उससे ही लड़ाई की है अंग्रेजों के साथ। कोई नाटककार है तो उसने नाटक के माध्यम से उनका विरोध किया, कोई उपन्यासकार है तो उसने उपन्यास के माध्यम से उसका विरोध किया, कोई कवि है तो उसने कविता के माध्यम से विरोध किया, जैसे वंदे मातरम है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। जिस जिसके पास जो जो औजार थे, जो जो हथियार थे, उनके माध्यम से उन लोगों ने लड़ाई की है, किससे, अंग्रेजों से, क्रांति की है, ठीक है। तो इनका मंडल बन गया पूरा का पूरा, भारतेंदु मंडल बन गया, और अनेक नाटक लोगों ने लिखे, व्यंग नाटक भी लिखे और दूसरे नाटक भी लिखे, ठीक है। तो नाटकों के माध्यम से ये जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हालांकि यहां आविष्कार का अर्थ व्यंग द्वारा उन पर कटाक्ष करना है। नाटक तो पहले भी थे, लेकिन उनके माध्यम से क्या करना है, हमको नाटक के माध्यम से क्या करना है, कविता के माध्यम से क्या करना है, ठीक है। इन सभी माध्यमों से हमें आजादी पाना है, हमारा मूलतः उद्देश्य है, हमें आजादी मिलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, नाटकों का सहारा लिया व्यंग के माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जो नाटककार बड़े बहुत महान नाटककार माने जाते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान के, उन्होंने नाटक करना आरंभ किया। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे उसमें भी ध्रुव स्वामिनी है, आपके सिलेबस में भी है ना, चंद्रगुप्त भी है, स्कंद गुप्त भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए थोड़ा सा सोचिए, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमारे पास ना तो हथियार थे, ना तो हमारे पास फौज थी, ना कुछ था, लेकिन फिर भी हमको तो लड़ना है, अंग्रेजों को बाहर भगाना है, ये सोच लिया था सबने। अगर वो ये सोच लेते कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, हम नहीं लड़ सकते इनसे, और नहीं लड़ते तो आज हम जो मान लीजिए इस मुकाम पर है, नहीं होते हम, हमारे पूर्वजों की मान लीजिए ये मेहरबानी कह लीजिए, पूर्वजों की मेहनत कह लीजिए, पूर्वजों की विरासत कह लीजिए, जो हम भोग रहे हैं। अगर वो उस समय ये मान लेते कि हम तो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, तो आज हमें आजादी नहीं मिलती थी और आज भी हम गुलाम रहते, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, देखिए जैसे मैंने कहा कि जिसके पास जो औजार है उससे ही वो लड़ेगा, दूसरा औजार, अब जयशंकर प्रसाद तलवार लेकर तो लड़ेंगे नहीं, अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बम से तो लड़ेंगे नहीं, उनके पास जो औजार है उससे लड़ेंगे वो, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया कि हम जो हिंदुस्तानियों में कैसे उत्साह भर सकते हैं, कैसे इनको क्रांतिकारी बना सकते हैं, कैसे इनके अंदर क्रांति भर सकते हैं, वो देखा उन्होंने, ठीक है। वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इतिहास पढ़ा हमारा, और इतिहास में उन्होंने देखा कि इतिहास में हमारा इतिहास तो बड़ा समृद्ध है, हम तो बड़े संस्कृति के जनक हैं, हमारी संस्कृति तो बड़ी समृद्ध है, हमारी परंपरा तो बड़ी महान है, हमारे यहां तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त उन्होंने लिखा, स्कंदगुप्त उन्होंने लिखा, तो उन्होंने दिखाया कि हम कितने बहादुर हैं। कुछ भी औजार ना होते हुए भी स्कंदगुप्त ने लड़ाई की थी और जीत हासिल की थी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम दिखाएंगे इनको, तो इनमें उत्साह जागेगा, किसमें उत्साह जागेगा, लोगों में उत्साह जागेगा, और वो
क्रांति के लिए तैयार होंगे। अब देखिए अंग्रेज अगर देखेंगे स्कंद गुप्त को तो वो समझेंगे इसमें तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, क्यों? अगर वो अंग्रेजों की बात करते हैं, चाहे उपन्यास में कोई बात करे, कहानी में कोई करे, कविता में करे, तो क्या करते थे, वो बयान करते थे उसको, उसको बयान करते और लेखक को जेल में डालते। ऐसे ही सोजे वतन जो किताब थी मान लीजिए प्रेमचंद की, उसको भी जब्त किया था। तो कोई भी क्रांति की बात उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, किनको? अंग्रेजों को। तो इन्होंने ये देखा कि हम प्रतीक रूप में करेंगे, डायरेक्ट अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं रहेगा उसमें, लेकिन समझने वाला समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे इतिहास में सबसे जो अच्छा काल है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदुस्तान के काल में जो राजाओं का काल था, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है, किसको मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल? सब जानते हैं, भक्ति काल को मानते हैं। किसको मानते हैं? भक्ति काल को मानते हैं, बिल्कुल भक्ति काल को मानते हैं। ऐसे हमारे इतिहास में जो स्वर्ण काल है वो है गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त काल उन्होंने उठाया और देखा उन्होंने कि इसके माध्यम से कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि एक तो समृद्ध परंपरा है, एक तो वो राजा भी है, और एक जिसको राज नहीं मिला किसी वजह से, युवराज बनाने के बाद भी नहीं मिला स्कंद गुप्त को, तो वो कैसे लड़ाई की उन्होंने, कैसे सबको इकट्ठा किया, सबको कैसे अपने फेवर में लिया और कैसे उन्होंने लड़ाई की, इसके बारे में उन्होंने बताया। ध्रुवसामिनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? ध्रुवसामिनी जो नाटक है वो पढ़ा होगा आपने, इसमें भी चंद्रगुप्त को राज्य नहीं मिलता है। तो ये चंद्रगुप्त कौन है? हिंदुस्तानी है। रामगुप्त कौन है? विदेशी है। ये प्रतीक के रूप में अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगा, वो तो समझेंगे तो हिंदुस्तानियों का इतिहास है, देखने दो इनको, ठीक है। लेकिन वहां प्रतीक के रूप में इन्होंने रखा कि जो मान लीजिए हक नहीं दे रहे हैं वो है अंग्रेज, जो हक लेना चाहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, फौज नहीं है, सेना नहीं है, लेकिन फिर भी वो हक लेना चाहते हैं, वो है हिंदुस्तानी, वो है क्रांतिकारी, ठीक है, वो देश प्रेमी। तो उनके माध्यम से हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे हमको लड़ना है अंग्रेजों से। किसके माध्यम से? केवल प्रतीकों के माध्यम से। ये नहीं कि डायरेक्ट अंग्रेज का नाम ले लिया किसी का, फिर उसका हम सर्वनाश कर रहे हैं, फिर उस पर क्रांति कर रहे हैं, ये अगर दिखाएंगे तो वो आखिरी रचना होगी, फिर वो जब्त कर लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, फिर कोई रचना नहीं लिख सकता हो जो भी लेखक है। अगर लेखक इस प्रकार से लिखता है, मान लीजिए कि अंग्रेजों को पता ना चले, ठीक है, अंग्रेज केवल ये समझे कि उनका, अब देखिए आपने देखा होगा कि गणेश चतुर्थी जो मनाते हम, उसको शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो अफीम है, अर्थात अगर वो अफीम उनसे छीनेंगे तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मरने मारने पर उतारू हो सकते हैं। अर्थात उन्होंने इस तरह से मीनिंग लिया उसका कि धर्म कि इतने चाहने वाले लोग अगर उनको हम धर्म से अलग करेंगे तो वो मरने मारने के लिए उतारू हो सकते हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, क्या किया, 1894 में उन्होंने पूना में गणेश चतुर्थी आरंभ की। हालांकि गणेश चतुर्थी इससे पहले भी थी, लेकिन घरों में मनाते थे, उतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाते, ऐसे जुलूस नहीं निकालते थे। तो उन्होंने ये किया कि गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक त्यौहार मनाए और फिर उसमें सारे सम्मिलित हो। उनका केवल कारण यह था कि सारे लोग हम इकट्ठा हो और अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हमें लड़ना है इसका प्लान हम बनाए। केवल इसीलिए उन्होंने गणेश चतुर्थी का आरंभ किया था। और जब ये धार्मिक त्यौहार, मतलब केवल हिंदू धर्म वाले आए ऐसा नहीं था, हिंदू मुसलमान जो भी थे, क्रिश्चियन या जैन या बौद्ध जो भी थे, सब लोग आते थे। क्यों आते थे? क्रांति की बातें सुनने। क्यों? क्योंकि
सब लोग इकट्ठा होंगे तो वो इकट्ठा होने नहीं देंगे, उनको मालूम है कि इकट्ठा होंगे तो हमारे खिलाफ होंगे, इकट्ठा नहीं होने देना इनको। लेकिन धार्मिक के अगर उस मामले में हम दखल देंगे तो ये लोग मरने मारने पर उतारू हो सकते हैं। इसीलिए धर्म के मामले में कोई भी अंग्रेज कुछ नहीं कहता था। धर्म के मामले में जुड़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दो इनको, धर्म का मामला है। क्यों? क्योंकि धर्म से हटाएंगे इनको। देखिए, ये एक पॉजिटिव थिंग थी, कब? जब अंग्रेजों का जमाना था। धर्म, धर्म के सहारे हम क्रांति करते थे। वक्त वक्त की बात है, आज धर्म के लिए लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये धर्म का नेगेटिव रूप हो गया यहां, वहां पॉजिटिव रूप था धर्म का, कि धर्म के लिए, धर्म के नाम पर हमने मान लीजिए क्रांति की बातें की और धर्म का सहारा लिया एक तरह से। वही धर्म आज, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये इसका धर्म, लड़ रहे लोग। हमें सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने धर्म को कैसे अच्छाई में इस्तेमाल किया। अब देखिए, आप देखते हैं, कल केबीसी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें एक आदमी आया था, मतलब जो सोशल वर्कर कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कह रहा था कि जो मंदिरों में लड्डू बनते हैं, जैसे वैष्णो देवी में लड्डू बनते हैं या केदारनाथ में मंदिर में लड्डू बनते हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये लड्डू यहाँ जो मटेरियल तैयार होता है, जैसे मान लीजिए मकई तैयार होती है वैष्णो देवी के आसपास, वहां के किसान मकई को सस्ते बेचते हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये किया कि वो लड्डुओं को श्रेन बोर्ड से बात करके उनको प्रसाद के रूप में रखवाया, और वहां आसपास जितने गांव के लोग थे उनकी आमदनी अच्छी हो गई। समझ रहे हैं? देखिए, धर्म का अच्छा रूप कैसे हो सकता है, ये बताया उन्होंने। ऐसे ही केदारनाथ के आसपास जो उगता है मान लीजिए, उसके लड्डू बनाए, वरना उनको बेचने में बड़ी दिक्कत होती थी, उनको लाभ नहीं मिलता था, वो भूखे मरते थे बेचारे किसान। तो उन्होंने ये किया कि अगर इसके लड्डू हम बनाएंगे, प्रसाद का प्रसाद हो जाएगा और आपका बिक जाएगा इस तरह से। और प्रसाद बनाने के लिए उद्योग मिल गया उनको, उनको अपना सामान बेचने के लिए जगह मिल गई। तो धर्म का ऐसे सकारात्मक उपयोग हो सकता है अगर हम धर्म को धर्म माने। अब धर्म को कोई गाली दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम किसी भी चीज का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सकारात्मक रूप कैसे हो सकता है उसका, वो उन लोगों ने दिखाया है, ठीक है। और वही जैसे मैंने कहा, कल जो आए थे केबीसी में, वो भी कह रहे थे कि हमने लड्डुओं का ऐसे इस्तेमाल किया, तो सोचिए आप कि धर्म का सकारात्मक रूप कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का मतलब क्रांति के लिए लोगों का इकट्ठा होना माना था, और सब इकट्ठे होकर क्रांति की बातें करते, कैसे हमें लड़ना है, क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी बातें किसके माध्यम से होती, धर्म के माध्यम से होती, ठीक है। देखिए, मैंने जो अभी तक कहा आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। हाँ सर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, आप लोग सब टीचर है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी की सारी बातें बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, किसकी किसकी पृष्ठभूमि है ये? हाँ, कोई बोलिए, किसकी पृष्ठभूमि है ये जो मैंने कहा? हेलो हेलो, हाँ प्रभावती जी बोलिए, किसकी पृष्ठभूमि कही मैंने? पृष्ठभूमि का अर्थ मतलब नाटक, नाटक की पृष्ठभूमि है, सारी की सारी है ना। हाँ जी, जहां से मैंने शुरू किया, आदमी का विकास जहां से हुआ वहां से मैंने शुरू किया, फिर कैसे लोक नाटक थे, कैसे शास्त्रीय नाटक थे, कैसे साहित्य का नाम काव्य था, फिर उसमें कैसे श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य थे, इन सब से आकर फिर भक्ति काल में क्यों नाटक नहीं थे, आदि काल में क्यों नाटक नहीं थे, रीति काल में क्यों नाटक नहीं थे, और आधुनिक काल में नाटक कैसे आए, ये सारी की सारी बातें मैंने पृष्ठभूमि के रूप में आपको बताई है। जी जी, और मैं समझता हूँ कि आप सबको समझ में आया है, ठीक। दूसरी बोलिए, ध्रुव से मुनि नाटक में
पुत्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र का नाम, दो पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त, करेक्ट? बिल्कुल जी, ओके दोनों पुत्रगुप्त का पुत्र है। हाँ दोनों भाई है और उन्होंने तो उनको बनाया था, मान लीजिए एक तरह से समुद्रगुप्त तो चाहते थे कि चंद्रगुप्त बने, लेकिन जैसे आप जानती हैं आज भी जैसे होता है कि भाइयों में लड़ाई होती है, पार्टियों में लड़ाई होती है गद्दी के लिए, है ना, ये कुर्सी बड़ी खतरनाक है, ठीक है, तो वो कुर्सी उनको उन्होंने हत्या ली एक तरह से षड्यंत्र करके रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त काबिल थे नहीं, ठीक है, चंद्रगुप्त काबिल थे। धन्यवाद, ठीक है, ठीक है, फिर सब लोगों का आपका धन्यवाद, अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक जी। दूसरी सर इसमें बोलिए बोलिए, हाँ सवाल कैसे पूछा जाएगा इस क्षेत्र में? नहीं जैसे आप नाटक कोई पढ़ते हैं वहां को, जैसे आप प्रभावती जी ने पूछा है ना कि वो कौन थे, ये बड़े बेटे कौन थे, ऐसे कुछ भी आपको डॉट आया, कहीं भी डॉट आया तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन पहले पढ़ना तो आपको है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो ये तो मान लीजिए डिस्टेंस है, रेगुलर में भी ऐसी होता है, यही नहीं फॉरन में भी ऐसी होता है कि पढ़कर आते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में ऐसी होता है पढ़कर आते हैं और यहाँ केवल सवाल करते हैं, जहां जहां आपको डाउट है वो सवाल करते हैं, तो चर्चा होती है, ये मुख्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब टीचर्स हैं ज्यादातर, तो आप लोग सब समझते हैं, आपको जहां जहां संदेह होता है वहां पूछना है, ठीक है। अब जैसे सारा सारा इतिहास मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अगर इसमें कोई संदेह है तो यहां पूछ सकते हैं, ठीक, कल भी लूंगा मैं आपकी क्लास, कल ध्रुव स्वामी पर बात करेंगे हम, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी, ठीक है फिर, हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू जी, वेलकम जी, धन्यवाद जी, वेलकम। टुडे प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी रिपोजिटरी सर? हाँ ये आप उनसे पूछ लीजिए जो यूनिवर्सिटी वाले है ना, उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, ठीक है, ओके ठीक है, पूछ लीजिए आप यूनिवर्सिटी वाले से पूछ लीजिए, बताएंगे वो, मिलेगी आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। हाँ एग्जाम के बारे में कोई डाउट है? जनवरी में फर्स्ट ईयर एग्जाम लिखने के बाद सेकेंड ईयर प्रभावती जी, प्रभावती जी देखिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ खाली, यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ मैं, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, तो मुझको बुलाया है इस लेक्चर के लिए, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये सारी बातें आप यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का फोन नंबर है ना, वहाँ पूछ सकते हैं आप, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक, ओके।